राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना राजमहल खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां एक प्रेतात्मा का वास था, राजकुमार विक्रम, जो महल का नया मालिक था, इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। एक रात जब चांदनी अपने चरम पर थी, विक्रम ने महल की तिजोरी खोलने की कोशिश की। अचानक एक ठंडी हवा चली और दीपक बुझ गया। विक्रम ने देखा, एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। यह वही प्रेतात्मा थी जिसने उसके पूर्वजों को मौत के घाट उतार दिया था। प्रेतात्मा ने धीरे धीरे कहा, राजमहल के खजाने की चाबी तुम्हारे पास नहीं है। विक्रम ने साहस बटोरा और प्रेतात्मा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? प्रेतात्मा ने अपनी दर्द भरी आँखों से देखा और बोला, मुझे न्याय चाहिए विक्रम, मुझे मेरे हत्यारे से बदला दिलवाओ। विक्रम ने प्रण लिया और प्रेतात्मा की मदद से अपने पूर्वजों के हत्यारे को खोज निकाला। न्याय मिलने के बाद प्रेतात्मा ने विक्रम को खजाने की चाबी सौंप दी और शांति से विदा हो गई। महल अब पहले जैसा नहीं रहा, वहाँ की हवा में अब डर की जगह शांति और सम्मान था। विक्रम ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को सच्चा न्याय दिलाकर महल को पुनः जीवंत कर दिया।